हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजी ज्वेलरी क्लासेस में। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है जो घरों में आमतौर पे पाए जाते हैं, बॉक्सेस वगैरह, तो उसी का एक पीस ले रही हूँ। तो कोई भी शेप दे सकते हो आप अपने कार्डबोर्ड को। तो यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। तो अगर आप ज्वेलरी मेकिंग में न्यू हो तो आप कॉटन फैब्रिक से ही शुरुआत करें, किसी अदर टाइप का फैब्रिक ना लें। तो देखिए, जो हमें फैब्रिक लेना है वो अपने कार्डबोर्ड से ज़्यादा लेना है। और यहाँ पे मैं फेविक्रिल वाला फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ। अगर आप अपने कार्डबोर्ड को राउंड शेप दे रहे हो तो फैब्रिक को भी राउंड शेप में ही कट करें थोड़ा ज़्यादा। तो देखिए, ये इजीली पेस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कॉटन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई अदर टाइप का फैब्रिक यूज़ करते हो, जैसे कि सिल्क वगैरह, तो आपको स्टिचिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी क्योंकि वो इजीली इस ग्लू के साथ पेस्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हमें इसे अच्छे से पेस्ट कर देना है। ये कुछ ही मिनटों में ड्राई हो जाएगा। तो अब हमें बीड्स लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बीड्स लूँगी और सुई धागा का यूज़ करूँगी। तो देखिए, बीड्स किस तरह से लगाने हैं। हमें सिलाई बैक की तरफ से ही करनी है ताकि फ्रंट में नज़र ना आए। हमें बैक की तरफ से नीचे की ओर अपनी नीडल को निकाल लेना है इस तरह से। और अब हमें बीड डालना है। और बीड डालने के बाद आप स्मॉल बीड ले सकते हो अगर आपके पास शुगर बीड्स नहीं है। तो देखिए, इस तरह से हमें डाल लेना है। और अब फिर से हमें बैक मोड़ना है और स्मॉल बीड को छोड़ देना है और बड़े वाले बीड में फिर से नीडल डालेंगे और आगे की तरफ नीडल को निकाल लेना है थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से। और फिर से अपना सेकेंड बीड डालना है और बीड डालने के बाद स्मॉल बीड और नीडल को फिर से बैक लेके आएंगे बड़े वाले बीड में से और फैब्रिक के आगे की तरफ गैप देते हुए फिर से हमें नीडल निकाल लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो देखिए, लास्ट वाला बीड डाला है और फिर से बैक की तरफ स्टिचिंग कर देनी है नीचे की ओर। इस तरह हमारी जो सिलाई है वो फ्रंट में नज़र नहीं आएगी और बैक में फिर से हमें दो तीन बार नॉट लगा देनी है अच्छे से। और उसके बाद हमें थ्रेड को कट कर देना है। तो बहुत ही जल्द मैं आपको लॉरियल लगाना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से हम लॉरियल अटैच कर सकते हैं फैब्रिक ज्वेलरी में। अब हमें बैक की तरफ ग्लू लगाते हुए फैब्रिक पेस्ट कर देना है बैक की तरफ ताकि सिलाई नज़र ना आए। आप चाहो तो पहले स्टड अटैच कर सकते हो, उसके बाद भी फैब्रिक लगा सकते हो। तो कैसे वो भी मैं आपको सिखा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करना चाहती हूँ, तो सेम ग्लू अप्लाई करूँगी और बीच में मैं एक मिरर अटैच कर रही हूँ। और साइड्स पे लगाने के लिए यहाँ पे पेस्टिंग कुंदन लूँगी। और इन्हें किस तरह से लगाना है इजीली लग जाएं, तो आप कोई टूल ले सकते हो या फिर टूथपिक, नीडल, और वो भी ना हो तो पेंसिल ले सकते हो। तो देखिए, थोड़ा सा ग्लू मैं अपने टूल के आगे लगा लूँगी, जिससे ये होगा कि जब भी मैं कुंदन लूँगी तो अपने आप अटैच होते चले जाएंगे इसके साथ। तो देखिए, जिससे कि आप इजीली पेस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। तो ऐसा ही एक और पीस रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं बैक की तरफ। तो बैक में भी यही ग्लू लगा रही हूँ मैं और स्टड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो दूसरे वाले में भी हमें स्टड को लगा लेना है। तो बैक में हमने जो फैब्रिक लगाया था वो आप स्टड अटैच करने के बाद भी लगा सकते हो ताकि स्टड हमारा नज़र ना आए। को इसी साइज में फैब्रिक लेना है और बीच में होल कर लेना है इस तरह से। और अब हमें जो हमने ईयर रिंग्स बनाए हैं उसकी बैक की तरफ ग्लू लगाते हुए जो फैब्रिक है उसे इस तरह से इजीली पेस्ट कर देना है क्योंकि हम इसमें होल बना ही चुके हैं। तो इस तरह जो हमारी स्टिचिंग है वो भी कवर हो गई और हमारा स्टड भी मजबूत हो जाएगा कवर होने से। ऐसे आप आई पिन और हेड पिन्स के साथ भी हैंग कर सकते हो बीड्स को। वो मैं किसी अदर वीडियो में आपको सिखाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।